हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अजय राठी एंड आई एम अ सेकंड ईयर वेटनरी स्टूडेंट एट शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, क्योंकि आप सब लोगों की वजह से ही मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। तो कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। इसके अंदर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उठाए हैं जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड होते हैं, ताकि बार बार उनका सेम जवाब मेरे को ना देना पड़े। तो सबसे पहली बात तो बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि आई एम फ्रॉम हरियाणा और मेरे को बहुत अच्छे तरीके से हरियाणवी बोलनी आती है। आई एम नॉट अ कश्मीरी, आई एम अ हरियाणवी। और अगर ना यकीन होता हो तो मैं बोल के भी दिखा सकूँ कि मैंने सही डाल हरियाणवी बोलनी आवा है, तो मैं हरियाणा से हूँ। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आपने यूट्यूब चैनल शुरू क्यों किया था? तो आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट मेमरीज एंड आई जस्ट वॉन्ट टू रिकॉर्ड एज मच पॉसिबल एज आई कैन फॉर माई सेल्फ। एंड अभी धीरे धीरे इट इज़ गेटिंग शिफ्टेड टुवर्ड्स इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, और इससे बहुत बच्चों को हेल्प मिल रही है। तो नाउ आई थिंक आई विल कंटिन्यू मेकिंग वीडियोज, और सपोर्ट भी ठीक ठाक आ रहा है, तो थैंक यू सो मच। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि योर फर्स्ट एंड बेस्ट मेमोरी ऑफ द कॉलेज। सो टॉकिंग अबाउट द बेस्ट मेमोरी, सबसे पहले तो बेस्ट मेमोरी तो आई वुड से कि मेरा बर्थडे, क्योंकि मेरा जो 20th बर्थडे था वो यूनिवर्सिटी में सेलिब्रेट किया था मैंने। दैट वॉज द बेस्ट बर्थडे एवर। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरे बर्थडे पे मेरे को विशेज दी थी, और यूनिवर्सिटी में उस दिन जो मेरा दिन स्पेशल बना दिया था मेरे दोस्तों ने, दैट वाज द बेस्ट मेमोरी। उसके बाद वर्स्ट मेमोरी के ऊपर आते हैं। तो यू नो व्हेन यू एंटर इनटू द कॉलेज यू टेंड टू मेक न्यू फ्रेंड्स ऑफ कोर्स, और उसके बाद आप अपने कम्फर्ट जोन से बाहर जाके चीज़ें करते हैं अपने दोस्तों के लिए, बट इवेंचुअली वो वर्कआउट नहीं करती हैं एंड अ लॉट ऑफ सिमिलर थिंग्स हैपन टू मी। तो सम ब्रोकन फ्रेंडशिप्स आर माई वर्स्ट मेमरीज आई वुड से। वोट की हाउ टू गेट इन टू वेटनरी थ्रो नीट। पता है क्या होता है कि जैसे नीट के बाद MBBS के लिए MCC या फिर आजकल NMC काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है, उसी तरीके से VCI जो है वो 15% सीट्स के लिए काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है। वो वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा कि हाउ टू गेट इन टू वेटनरी थ्रो नीट। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, समवन हैज़ आस्क्ड मी कि कैसा था 1K तक का सफ़र। तो आई क्लियरली रिमेंबर कि मैंने वीडियो 30 नवंबर 2020 को अपलोड की थी, अब वो मैंने काट दी है। लेकिन 30 नवंबर 2020 को ये जर्नी शुरू हुई थी, और 1000 सब्सक्राइबर होने में लगभग 2 साल का टाइम लग गया है। तो जर्नी वाज टफ़, बट मेरे को बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, कॉपीराइट कंटेंट क्या होता है, और कैमरा के सामने मैं शाय फील नहीं करता हूँ। तो लर्निंग बहुत ज़्यादा हुई है और सफ़र इन्जॉय किया है मैंने। तो ये जो बहुत पूछते हैं कि मेरे से मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर द वेटनरी, तो वेटनरी के लिए मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट ऐसे कोई डिफाइन नहीं है। वो हर साल नंबर ऑफ एस्पिरेंट कट ऑफ क्या रही है, MBBS की कट ऑफ क्या है, BAMS की कट ऑफ क्या है, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। बट ऑन एन एवरेज आप मान के चलो इफ़ यू आर स्कोरिंग बिटवीन 520 to 530, सो यू विल डेफिनेटली गेट अ सीट इन वेटनरी, भले ही मोपअप राउंड में मिले या किसी नॉर्थ ईस्ट के कॉलेज में या साउथ इंडिया में मिले, बट विल गेट अ सीट। लोगों को मेरे कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर जानने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। तो जो मेरे कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है, दैट इज़ पिछले मेरे टाइम पे था 28,400 विदाउट हॉस्टल फी, लेकिन इस बार वो बढ़ के थोड़ा हो गया 34,000 समथिंग। हॉस्टल का आप 20,000 एक्स्ट्रा ऐड करके चल लो, तो ये है मेरे कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं वेटनरी के लिए। सी देर आर नो एज सच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर वेटनरी, जैसे कि MBBS के लिए होते हैं। फॉर वेटनरी आपको क्लास नोट्स पे या फिर कुछ बुक्स के थ्रू ही देखना होता है, बट स्टिल देर आर टू एप्लीकेशंस जो आप नावले की अगर प्रिपरेशन करोगे, नावले क्या है उसके ऊपर भी एक बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। तो जुकू रिव्यू और वेट प्रेप, ये दो ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, नॉट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स। उसके बाद आते हैं, इज़ वेटनरी सेफ एज अ करियर, और शुड यू चूज़ वेटनरी एज अ करियर। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सी वेटनरी इज़ अ वेरी डिमांडिंग फील्ड, आपकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटीज़, आपकी मेंटल, आपकी एजुकेशन कैपेबिलिटीज़ को ये बहुत अच्छे से जज कर लेते हैं ये फील्ड, और वेटनरी बहुत वर्थ इट है। जैसे मैं इसके अंदर, मेरे को लगभग 1 साल हो गया है, आपको फील होता है कि येस योर फ्यूचर इज़ सिक्योर। तो वेटनरी इज़ सेफ एंड यू शुड डेफिनेटली चूज़ वेटनरी। अगर आपको एनिमल से प्यार है तो वेटनरी डेफिनेटली आपको चूज़ करना चाहिए। बट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरीज। सो इन वेटनरी अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, देन योर सैलरीज विल बी सेम एज एन MBBS डॉक्टर, एंड दैट विल रेंज अराउंड अप्रोक्सीमेटली 70,000 to 80,000 एज ऑफ नाउ।
बट अगर आप प्राइवेट भी प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, डिपेंड्स ऑन योर क्लिनिक कि आपका क्लिनिक कैसा चल गया है। और अगर आप किसी नॉर्मल दूसरे के क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हो देन यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 30-40,000 आई गेस जस्ट आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रेशली। तो अप्रोक्सीमेटली देयर विल बी अ वीडियो सून ऑन करियर्स इन वेटनरी एंड देयर सैलरी एंड देयर स्कोप। सो फिर से एक रीज़न मिल गया आपको सब्सक्राइब करने का चैनल। क्वेश्चन इज मोस्टली आस्क्ड बाई अदर स्टेट पीपल कि क्या आपके कॉलेज में रैगिंग होती है क्या। अदर स्टेट के पीपल इसलिए क्योंकि कहीं आप दूसरी स्टेट से आए हो तो स्पेसिफिकली आपकी रैगिंग होगी या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। माई कॉलेज माई यूनिवर्सिटी इज़ एब्सोल्युटली रैगिंग फ्री। अगर आपसे कोई आपका नाम पूछ रहा है इफ़ यू कंसिडर दैट एज अ रैगिंग तो हाँ भाई आप उसको रैगिंग मांग सकते हैं। अदरवाइज आज तक एक बार भी कोई फिजिकल वॉयलेंस वर्बल वॉयलेंस मैंने ना देखी है किसी के साथ होते हुए ना मेरे साथ हुई है। तो स्क्वाश जिम इज़ एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली रैगिंग फ्री। अ लॉट ऑफ पीपल आर कन्फ्यूज क्योंकि पहले मैं 6 महीने लगभग एग्रीकल्चर में था और उसके बाद मेरा वेटनरी में अपग्रेडेशन हुआ है। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ कन्फ्यूज कि हाउ कैन यू शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू वेटनरी। तो ऐसा हुआ था कि आई हैव गिवन 2 एग्जाम्स ICR एंड NEET। तो ICR की काउंसलिंग पहले हो गई थी और मेरे को स्क्वाश जम्मू में BSc एग्रीकल्चर मिल गया था एंड आई हैव हैप्पीली एक्सेप्टेड दैट क्योंकि उस टाइम पे मेरे मार्क्स बन रहे थे 517 और मेरे को पता था कि मेरे को इस मार्क्स पे कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला है। लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स अराउंड 6 मंथ्स जब नीट की काउंसलिंग हुई और तो मोपअप राउंड में आते आते 19th of April 2022 को मेरे को कॉलेज मिल गया था। और वो ऐसा हुआ लकीली और एक मेरा चॉइस प्रेफरेंस थोड़ा ज़्यादा आप कह सकते हो कैलकुलेटेड था कि मेरे को स्क्वाश जम्मू में ही BBSc मिल गया। तो दिस इज़ हाउ आई शिफ्टेड फ्रॉम वेटनरी टू एग्रीकल्चर। दीज आर मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। आई होप आई हैव आंसर्ड देम ऑनेस्टली। तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड नाउ इस हफ्ते थोड़ा लेट हो गया अदरवाइज यू विल गेट न्यू वीडियोज़ एवरी संडे एवरी वेडनेसडे। सो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल।